मेरे अंकल जी सुरेश कोच जी माफी चाहूंगा, सत्यपाल मलिक जी और मेरी माता शक्तियां, मेरी जितनी बहने, ये सब आज की योद्धाए पर जोरदार ताली बजाने का इनके लिए होगा। मेवाती लोग मेवे कौन है? सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गिरती हुई जनसंख्या की 1971 और 72 में, उस टाइम आप लोगों की गिनती करी गई हिंदुओं में, 1901 में दोबारा से गिनती हुई। आप लोगों को अंग्रेजों ने बोल दिया भैया आप हिंदू नहीं हो, आप तो मुसलमान हो, इनकी गिनती कर दी मुसलमानों में। फिर 1926 के दौरान, 1926 के दौरान इनको छप्पा लगा दिया कि आप सब मेंटेन है। भाई साहब मैं बता दी, भाई मच्छी देख जाओ नीचे बैठो, शांति बना लो यार, कमाल करे हो अपने आप की प्रोग्राम में जाओगे। आप जो इनकी विनती आवाज नहीं आनी चाहिए, आप सभी से विनती है के बाद। ये गांधी के सब थे। उसी वक्त
नहीं है। मेघराज की खबर पढ़ के देखते हो कभी? हमारी शहर जो अखबार आता है, टीवी आता है, उसमें दिखाया जाता है मेघराज रिली पाकिस्तान है। मेवात के अंदर तो बलात्कार होते हैं, मेवात के अंदर आदमियों को काटा जाता है। हमारी नई यूथ यूएपीडी उस अखबार को पढ़ती है, कच्चेदारियों की बातें सच मान के उस पे अमल करती है। उनको ये दिखाई नहीं देता इस देश को जो हाल में चला रहा है, सरकार चलाने वाला जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, भारत देश का प्रधानमंत्री, जिसकी जो जाति की अगर बात आती है, जिस जाति में उसने जन्म लिया। मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब आप खुल के सबके सामने क्यों नहीं बताते आपकी जाति क्या है, आपने किस जाति में जन्म लिया है? पहली जाति में, और पहली जाति 1947 से पहले मुसलमानों के अंदर आती थी, 47 के बाद उन्होंने हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। अरे आप देश के मुस्लिम परिवार में पैदा होकर या हिंदू मुसलमान करवा कर हमारे को मरवाना चाहते हो? अब बात आती है कमी की, कमी कहाँ है सिस्टम में? कमी है आप लोगों के अंदर, कमी है हमारे अंदर। वो कमी क्या है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर जेल के अंदर जब फांसी तोड़े जा रहे थे, उसके बाहर जेल के बाहर लाखों आदमियों की भीड़ थी, सब उनको क्रांतिकारी मानते थे, सब उनको देशभक्त मानते थे। वे लाखों आदमी बाहर चिल्ला रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, लेकिन एक भी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं थी। वहां जितने बाहर खड़े थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े थे, हिंदुस्तानी कोई नहीं खड़ा था। अगर वहां हिंदुस्तानी खड़ा होता उन सब की ताकत एक होती, वे लाखों आदमी उस जेल की एक एक ईंट उठाते, जेल का नामो निशान नहीं मिलता। और आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तुम्हारे बीच जिंदा होते, कोई अगर समझ में आप लोगों के लिए जब हम बोलते हैं, बोलने से पहले तो हर सितारा सब का, बोलने के बाद बात आती है तो जाति जाति से, और सब हिंदू थे ही नहीं। कमाल है भाई, हमने हिंदुस्तान के लिए जन्म लिया, हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया है। हमारे बुजुर्ग हमारे सामने बैठे, हमारे का कहता हूँ ये रोज लठ रोड़ा पर जब लठ खावे इनको बोलते हैं ये तो देश द्रोही। मैं पूछना चाहता हूँ, जब बॉर्डर पर कोई बेटा कोई बच्चा शहीद होता है, आप लोगों ने उसकी जाति क्यों नहीं दिखाती? आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ी है? आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने हिंदुस्तान के लिए शहीदी दी है? अरे लड़े हम, मरे हम, देश को चलाए हम और देश के राजा हूं। आप लोगों के अंदर कमी ये है, आप अपने आप को नहीं पहचानते, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते, आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। ये कमी आप लोगों में, जब आपका बच्चा रोड पे लड़ता है वो आने के कुछ भैया आपके बच्चे को हिंदू मुसलमान बना के मार देते हैं, आप भी उस राजनीति में फंस जाते हो। आप लोगों के अंदर ताकत नहीं है क्या? आप अपने खून को भूल गए क्या? या धमकियों से डरने वाले वाले धमकियों की बात करो। मेरी औरत जब मैं घर से निकलता हूँ ये कहती है पता नहीं वापिस आएगा या नहीं। मेरी औरत जिसके साथ मेरी शादी हो रही है उसके पेट में दूसरा बच्चा है, मेरे को यह भी यकीन नहीं है मैं उसका मुंह देख पाऊंगा या नहीं। जिस दिन से नू मेवात के ऊपर मैं बोला, मैंने शुरुआत की ऐसी ऐसी धमकी ऐसे ऐसे आदमियों की, सुबह मार देंगे शाम मार देंगे, फिर भी मैं एक बात कहता हूँ इस सरकार को, समय तुम्हारा राज तुम्हारा हिम्मत है तो मार लेना। अरे मेरे बुजुर्ग जाग गए, इनका समय आ गया, इन लोगों ने हमारे को ताकत दे दी, हम भागने का मौका नहीं देंगे। फैसला आप लोगों ने करना है। अरे इस देश का राजा किसान होता है, किसान इस देश को संभालने वाला किसान का बेटा जवान होता है, और आप लोग अपनी ताकत भूलकर हिंदू मुस्लिम जात ब्राह्मण में फंस कर उन लोगों के बहकावे में आए हुए हो। चारों तरफ से धरती माप लेना, हर 7 किलोमीटर पर एक मंदिर मिलेगा, हर 12 किलोमीटर पर एक मस्जिद मिलेगी, हर 5 किलोमीटर पर पीर बाबा मिलेगा। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ,
सच बताना, दिल से बताना, क्या एक भी हिंदुस्तान का राजा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई लिखाई की बातें करता है? जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको मजा आ गया है, हिंदू मुस्लिम उनकी खुराक हो गई है। आप लोगों को लगाओ, कुर्सी पाओ और फिर आप लोग भाड़ में जाओ। अरे आप लोग कब जागोगे? मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस मेवात की पंचायत को बिना किसी निरीक्षण के वापिस अपने घर चले जाते हो, आपके बेटे आपके उन बच्चों की उम्मीदें छूट जाएंगी जो आज हमको धमकियां देते हैं, उनकी धमकियां सच हो जाएंगी। और आप लोगों में एक कमी है, जब आप लोगों की कोई लड़ाई लड़ता है उस वक्त तो आप टांग खींचते हो, और जब आपका बेटा आपका बच्चा मर जाता है तब उसकी आप मूर्तियां बनाते फिरते हो। अरे जीते जी अपने का हाथ पकड़ के क्यों नहीं खींचते, टांग पकड़ना छोड़ के। मैं सभी साथियों से यह कहता हूं, जो भी मोदी जी बोले वो बातें मुद्दे की करे, हिंदू मुसलमान की करे, नू मेवात की करे, ताकि सरकार को पता लग जाए जो आप बहाने वाली कला सीख रहे हो वो अब नहीं चलेगी। आप लोगों की एक नारा जोरदार, हम सब एक हैं। मैं बोलूंगा हम सब आप लोगों के एक हैं, पता लगना चाहिए कुर्सी के ठेकेदारों को। चलो आप कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, उस कुर्सी को हिलाने की हिम्मत तो रखो। हम सब बोले, मेरे मुख से गलत शब्द गलत बात निकली, आपका बच्चा आपका बेटा वहां जोड़ के आपके चरणों में माफी चाहता हूँ। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।